تیل کا دھیان رکھ دھیان आज आपने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट नहीं, अवेयरनेस, अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। चलिए मैं मानूंगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम किस लिए है। ये अवेयरनेस है कि सेव फॉरेस्ट, सेव अर्थ, सेव वाटर बॉडीज, एनवायरनमेंट पे। आपको पता है कि यहाँ हमारे रियासत की हालत क्या हुई है, खुशक शादी है, बर्फ़ कहीं है नहीं। गुलमर्ग की हालत देखिए, सोनमर्ग की हालत देखिए, कारगिल रोड इस वक्त खुला है, वहाँ पर 10-10, 20-20 फुट बर्फ़ होती थी। इसका कारण है कि हमने यहाँ कंक्रीट जंगल बनाया, कोई पूछने वाला है नहीं। वाटर बॉडीज़ को ख़त्म किया हमने, जो रिवर जहलिम है, पोल्यूटेड है, मछलियाँ ऊपर आ रही है। और इसलिए हमने ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक, जंगलों का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रीज़ क्या है, फॉरेस्ट का वैल्यू क्या है। और पुराने लोग कहते थे अगर एक दरख्त काटोगे 100 पौधों को लगाना है, आजकल वो है नहीं ऐसा। गुलमर्ग की हालत देखें, कंक्रीट जंगल बनाया गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, फैक्ट्रीज डालते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हमारे ग्लेशियर्स जो है कि ख़त्म होते जा रहे हैं। पानी की हालत आप देखें, ड्रिंकिंग वाटर बहुत सारे इलाकों में इस वक्त भी नहीं है। हमारी यही मैसेज है, हर जगह हर स्कूल में अपने बच्चों को बताइए, पेंटिंग बनाइए जो है कि हमें ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए, ट्रीज़ को, दरख्तों को हमें दोस्त बनाना है, चिनार की हिफाजत करनी है, और प्लास्टिक को हमें बाय बाय कहना है। कश्मीर जल्द से जल्द प्लास्टिक फ्री होना चाहिए। और देखिए हम इस वक्त चिलाई कलान भी इख्ताम हो चुका है, अब फरवरी आ रहा है, अभी बर्फ़ कहीं है नहीं। अब हम दुआ करते हैं, निकले हैं अनपोश के लिए, वन पोश। अच्छा, हम